टीके पर जो राजनीति है, निश्चित तौर से जो टीका है वो हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से उस टीके को बनाया था। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि पूरे देश में शीघ्रता से ज़्यादा लोगों को टीका लगे ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे बयान ना दें कि जिससे लोगों में उसको लेकर भ्रम की स्थिति बने। लेकिन इसको लेकर सीधे तौर पे जो बात समझ में आती है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश थी। वो इसलिए कि केंद्र सरकार, भाजपा सरकार टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बने और टीका लोग ना लगवाएं ताकि शॉर्टेज ना दिखे। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे वो भाजपा सरकार को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के जो पोस्टर हैं भाजपा के, जो लगे हुए थे इनके जो मीडिया के साथ थे, सोशल मीडिया पे जो प्रचारित होते थे, देखकर ताजुब हो रहा है। उसमें योगी जी के पोस्टर में नहीं है अब अमित शाह और मोदी जी। खैर, पोस्टर में कौन रहे कौन जाए इससे हमसे मतलब नहीं, ना हमें कुछ कहना है इस पर। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। पर ये जरूर करना चाहूंगा, राधा मोहन जी को जो प्रभारी हैं, आप तो कह रहे हैं सब ठीक ठाक। क्या यही सब ठीक ठाक है? पर हमें इतना तो बता दीजिए राधा मोहन जी कि 4 दिन 5 दिन जब सब ठीक ठाक था तो किस चीज का मंथन चल रहा था? अच्छा, चलिए ये दो हट गए तो कौन से दूसरे लगने जा रहे हैं वो तो बता दीजिए। आप आए हैं तो कुछ तो कहिए ना, इतने डरे सहमे से क्यों हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूं, आपके संगठन का मामला है, आप चलाएं, जो भी होगा वो आपका आंतरिक मामला है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पर मैं एक चीज जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, जिस दिन चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सत्ता से बेदखल होगी।